आज मैं मानिकपुर ब्लॉक के रामपुर के नागर गांव में खड़ी हुई हूं। जो आदिवासी भाई हैं, यहां के लोगों का कहना है कि हमारे यहां कोई रोजगार नहीं मिलता, इस कारण से हम लोगों को जंगल 7 किलो 8 किलोमीटर रेंग के हमें जंगल जाना पड़ता है, और जंगल से जड़ी बूटी अलग अलग इकट्ठा करके लाते हैं। जंगल में हमारे बहुत खतरा होता है, मगर खतरा को भी हम छोड़ते हुए ये होता है कि हमारा पेट रोटी चले, इस कारण से यहाँ पे लोग लाते हैं। उसमें लाने के बाद भी इन लोगों के घर में बहुत मेहनत होती है, उस जैसा मेहनत करते उस रेट में इन लोगों की जड़ी बूटी नहीं जाती। हम अब जब से आए ससुराल जब से काम करते हैं, अब क्या करें, जब धंधा है तो करते हैं। नरेगा चालू रहता है ना, कुछ भी चालू रहता है, जो कोई प्रधान हो जाता है वो हम लोगों को सुनता भी नहीं है। 6 बजे जागना पड़ता है, फिर खाना पानी बनाना पड़ता है, फिर जल्दी जल्दी फिर भागो, फिर उधर से फिर 4 बजे 5 बजे फिर उधर से लौटो, फिर आए तो फिर खाना वाना बनाए बच्चे लोगों को, फिर उसके खवाए पियाए। बच्चे को तो पेट पालना है, चाहे जैसे पालें, पालना तो है ही है हम लोगों को, चाहे जो कुछ भी करें। लकड़ी लाएंगे तो बेचने जाएंगे, और का कहते आमरा तोड़ने जाएंगे तो उसको कूटो नीचो उबालो, और ये तो रोजगार है ही है दीदी, अब क्या करें हम लोग। कितने लोग जाते हैं जंगल, कितने किलोमीटर दूर जाना पड़ता है? अरे बाप रे, बहुत दूर पड़ता है दीदी, 25 मीटर तो इधर ही पड़ जाता है, खेत है खेत है, फिर बाद में पड़ता है जंगल, ऐसे पड़ता है। अब जंगल में जब चढ़ते हैं तो बैठ कर एकदम चढ़ते हैं, फिर जाते हैं। अरे दिक्कत पड़ता है, कपड़ा भी फट जाते हैं, शरीर भी फट जाती है, जानवरों से डर रहता है। बर्रैया लागी रही तो वहाँ आँख दी दम चबा लीन, तो वही मालत भाग दी ने वही छोड़ के, और वही का फेनी लाइन तो फिर काटेन झुरुआन, फिर उसके लाई गन जऊ भात वही के आटा सीधा लाइन। तो ये फेनी किस काम में आती है? अब जड़ी बूटी है, अब जहाँ हम तो बेच आए ने, अब जौन बनाते हुए अब खरीदने। तो पहले से पहचान होती थी या कोई बताता है कि जड़ी बूटी आए? हाँ, अब यही कहें कि जड़ी बूटी है, अभी चीज का ले आओ, तो हम आप ढूंढ के लाए जंगल से। अब नहीं है धंधा, तब लकड़ी का चाहे जाए थे, ये दगाए तब शाम के आए 5 बजे तो खावा के आ जाते, खावा के जाए थे दिन भर का हो गए मारत रही थी। तो कितना गहरा खोदना पड़ता है कि उसको? पानी में रहता है अभी इतने तक घुसे रहन है, तो फिर बूढ़ के निकालें, सारा दिन पानी और खज्जी रहती तो वह फिर लाग गए, तो खजुआ लागत है फोड़ा फिंसी पर जाती। सवेरे जाते हैं खाना वाना आके खावा के, फिर शाम के आते हैं 4 बजे। बेल लाते हैं, अवला लाते हैं, मऊहा है, बहारा है, सीजन में सब करते हैं। अब घर में बैठे हैं, धंधा नहीं है तो लकड़ी लाते हैं, जलाते हैं, बेचने जाते हैं। एक वो आपका गट्ठा कितने का जाता है? जाता है 50 रुपये का, 100 रुपये का, जैसे गट्ठा होगा न्यात का होगा तो तौल में जाते हैं 10 रुपये पसेरी। और जैसे बेहाल लाते तो उसमें क्या क्या मेहनत होती है? उसमें कूटना है, फिर वही बगराना है, घाम दिखाना है, तब बाजार ले जाते हैं, तो वह 100-150 का होता है, तो क्या हुआ था, जितना मेहनत करते हैं तो साग सब्जी भर का हुआ था। हम यहाँ गला के दुईदा बेच गया, दुईदा ही बेच गए, 4-4 5-5 रोजा खाने थे, जाए फिर लेके आई थे ये जड़ी बूटी। कहाँ पे खोदती हैं? नदिया में, नदी में जैसे नाला में पानी बहत है, वही कागर कागर खोद रहे। अभी तो जो खरीदे थे उन बताओ कि कहे मलागत, हम तो ना जानब, हम तो खन खोद के लाई थे, जाने का कही दिन तो पैसा की लालच बेच गए चले गए। एक हफ्ता 15 दिन काम करती हूँ तो आपको 400-500 रुपये मिलता है बस इतना। अब ना कहें कि अब 4-5 5 रोज के आ रही है, 400-400 के अभा। अरे जड़ी बूटी तो और अच्छी चीज है, उसमें ज्यादा पैसा उनको मिलता है, नरेगा में मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के मिल जाता है।
जड़ी बूटी जब उनका मन हुआ चले गए, और जड़ी बूटी इतना तेज बिकती है इसमें दूसरे में काहे करेंगे जब पांच से काम कर लेती हो। वो जिनको जिनको जरूरत हो काम की, डिमांड बेस्ड स्कीम है, तो डिमांड लिख के दे दें कि हमको, हम लोग खाली है नरेगा मनरेगा में कार्ड करने की इच्छुक है, हमें कार्ड दिया जाए तो उनको तत्काल कार्ड इलाज करा देंगे। जॉब कार्ड नहीं बने तो बनवा देंगे ना जॉब कार्ड। जॉब कार्ड कौन सी बड़ी बात है, तो लिख के देगा। ये भी लिख दे हमारे जॉब कार्ड नहीं तत्काल हो, आधार कार्ड, पासबुक की फोटो कापी और दो तो फोटो इतना दे दे तो उनके जॉब कार्ड बन जाएंगे। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पे लाइक और सब्सक्राइब करें, वेबसाइट पे सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।